हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल प्रिंसेस गेमर। तो भाई लोग कैसे हो? भाई लोग, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस करे। और आज मैं आप लोगों के बारे में, आप लोग के लिए एक बेस्ट चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। अगर शॉप में जाते हैं तो देख सकते हैं, स्पेशल ऑफर में है अभी ये मेगा बॉक्स का 89 जेम्स में 2 मेगा बॉक्स, और कभी कभी रहता है ब्रॉलर के लिए। तो अगर आपके पास उतना जेम्स नहीं है तो मैं आपके एक बेस्ट ऐप के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है शेयर चैट। उसे आप अगर एक शेयर करिएगा तो आपको 15 रुपीज़ मिलेगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया। आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा। और आप अगर 15 × 10 यानी कि 10 शेयर करिएगा तो 150 रुपीज़ हो जाएगा, तो जिससे आप जेम्स परचेज करके इजीली कोई भी ब्रॉलर खरीद सकते हैं। बस सिर्फ शेयर करना है और अपने फ्रेंड्स को कर दीजिएगा डाउनलोड करने, तो उससे हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई लोग, आज मैं लाइव पुशिंग करने वाला हूँ बीवी से या फिर कोई और ब्रॉलर, रैंडम ब्रॉलर से, पर ब्रॉल बॉल ही खेलेंगे। जो कि मेरा ये ब्रॉलर कल अनलॉक हुआ है तो 53 ट्रॉफी मैंने पुश किया, और देखते हैं कि ब्रॉल बॉल में ये कैसा चलता है। तो देखते हैं, कोशिश करेंगे कि अच्छा हो जाए, मतलब कि अच्छा पुशिंग कोशिश करेंगे। और 3 मेंबर्स फाउंड हो गए हैं और 6 मेंबर फाउंड होना है, तो कोशिश करें कि अच्छा हो जाए। तो ये मैच स्टार्ट हो गया है और तो थोड़ा दूर ही रहना पड़ेगा। तो इधर ओपोनेंट में सिर्फ, तो हमारा पहला गोल इजीली हो जाएगा। तो इजीली कर दिया मेरा एक फ्रेंड ने, मतलब कि मेरे साथ जो है यहाँ फिलहाल में। तो मैंने उसे बॉल पास करने के चक्कर में चला गया, तो ये गया मैं। तो देखते हैं कि क्या होता है, ये गोल को बचा पाता है या फिर ये बॉल को पास नहीं कर रहा है, जो ये डिसएडवांटेज मुझे लग रहा है। पर कोशिश करेंगे कि कुछ ना हो और शायद बॉल पास हो जाएगा। तो रोक लिया इन लोगों ने और देखते हैं कि क्या आता है हमारा रैंक इस मैप में। तो ये मैप मुझे बेस्ट लगता है, सोलो शोडाउन के बाद यही मैप सबसे बेस्ट है। तो ये गया और सेकंड गोल भी हो गया। तो देख सकते हैं इस मैप में हमारा अच्छा खासा पुशिंग हो गया, तो +6 ट्रॉफी। और हम फिर से प्ले अगेन कर देते हैं। तो बीवी इस मैप में बेस्ट है, और मतलब कि जैसे कि अपना एबिलिटी यूज करता है तो उससे भी बहुत ज़्यादा डैमेज देता है। मेरा 2 लेवल का ब्रॉलर है ये, तो 3 मेंबर फाउंड हो गए। तो दूसरा मैच स्टार्ट हुआ है और इस मैप में सैली या फिर पीएल प्रीमो भी बेस्ट है, आप यूज करके देख सकते हैं। तो मैं यूज करके भी देखूँगा अभी। तो देखते हैं, 6 प्लेयर फाउंड हो गए और मैच स्टार्ट। ओपोनेंट में भी अच्छे प्लेयर आए हैं, तो हमारा तो प्लेयर चला गया एक। तो हम थोड़ा अपने गोल होने से रोकते हैं बस, क्योंकि हमारा सभी प्लेयर डेड हो चुके थे। तो ये अपना एबिलिटी यूज करेगा, मुझे पता था। तो अभी तो फिलहाल मुझे थोड़ा टीम ये सब हाई लग रहा है, हाई लेवल के प्लेयर लोग। तो हमारा एक बार एबिलिटी आ जाए बस। तो एबिलिटी वेस्ट चला गया, पर कोई बात नहीं, ये गोल कर देगा शायद। गोल थोड़ा सा के लिए बच गया है गाइस, देख सकते हैं आप। तो गोल कर दिया मैंने और ये एक गोल हो गया हमारा इजीली। तो इजीली तो नहीं कर सकते, पर ठीक था। पर ये गोल रुकेगा या नहीं मुझे नहीं पता। तो ये गोल को बचा लिया है और फिर शायद ये गोल हो जाएगा इस बार, पर कोशिश करेंगे कि गोल ना होने दें। तो गोल को बचा लिया डेरियल ने, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये है हमारा एबिलिटी, बहुत बेस्ट है, बबल गम वाला। तो गया ये सब, तो ये फिर से गोल कर देगा एक विशाल ने, प्लेयर ने। तो अच्छा खासा हो गया लगातार बैक टू 2 बार विन। तो एक गोल मैंने किया था और एक मेरा जो रैंडम प्लेयर था उसने। तो फिर से मैं प्ले अगेन कर देता हूँ। तो देख सकते हैं बीबी बेस्ट ब्रॉलर है जैसा कि मुझे अभी लग रहा है।
पर सोलो शोडाउन में मैंने खेला नहीं है तो नहीं पता बता सकते हैं मैं, पर बेस्ट ब्रॉलर ही है जैसा कि इसका एबिलिटी है बबल गम। तो फोर प्लेयर फाउंड, वन प्लेयर और फाउंड हो गए, और देख लेते हैं ओपोनेंट में कैसा प्लेयर आता है। तो ओपोनेंट में तो एक थोड़ा बस अच्छा से खेलना होगा। तो गया ये, तो ये गोल मेरा थोड़ा बॉल छूट गया, तो ये गोल थोड़ा सा के लिए बच गया गाइस, देख सकते हैं आप। तो थोड़ा सा के लिए बॉल गोल नहीं होगा, पर गोल हम कर लेंगे, कोशिश तो करेंगे हम। तो गोल कर दिया विशाल ने, जो कि मुझे प्रो प्लेयर लग रहा है क्योंकि अधिकतर बार वही गोल कर रहा है। तो आप क्या समझ सकते हैं इसे, तो ये गोल तो शायद फिर से वो एक गोल कर देगा। फिर से देख सकते हो विशाल ने गोल कर दिया है और मैं बैक कर लेता हूँ। तो फिर +6 ट्रॉफी, फिर से मैं प्ले अगेन करता हूँ और देखते हैं ये सब प्ले अगेन करते हैं या नहीं। फिर से ये लोग प्ले अगेन कर दिए हैं और ये मेरा बीबी के साथ लास्ट मैच है, उसके बाद मैं सैली को टेकअप में लूँगा। तो 3 प्लेयर फाउंड, थोड़ा टाइम लगता है पर फाउंड हो जाएगा, थोड़ा प्लेयर का कमी होगा ब्रोल बॉल में। तो शोडाउन तो तुरंत ही स्टार्ट हो जाता है अगर आपका ट्रॉफी लो रहा ब्रोलर का। तो ये तो मुझे नहीं लग रहा गोल होगा क्योंकि कोल्ट ने एबिलिटी पूरा यूज कर दिया हमारे ऊपर। तो गया ये, तो गोल होने भी नहीं देंगे, तो देखते हैं क्या होता है। शायद ओपोनेंट वाले आ रहे थे, शायद नहीं फिक्स में आ रहे थे। तो गया ये, और ये मैच मेरा मुझे तो थोड़ा स्टार्टिंग में ख़राब चल गया, पर गोल तो हुआ नहीं है वो किसी का। तो इस बार भी हम मारे गए, तो देखते हैं क्या होता है आगे। फिर थोड़ा गेम लैग हो रहा है और ये लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया है हमारा। तो थोड़ा कोल्ड ये ओपी हो रहा है हमारे ऊपर। तो फिर से ये गोल कर देगा शायद विशाल, और गोल कर दे तो अच्छा है, पर एनिमी के हाथ में बॉल लग गया था और उन्होंने हमारा टीममेट्स को मार दिया। तो ये गोल हो गया इजीली गोल, तो बीस्ट बॉय ने गोल कर दिया है और हम एबिलिटी यूज कर देते हैं जो कि वेस्ट नहीं गया। तो फिर से एक इजीली गोल हो गया और फिर से +6 ट्रॉफी। तो देख लेते हैं हम बैक करके कितना होता है, 6+24 ट्रॉफी अगर हमें हमारा अभी हुआ है। तो बीवी बेस्ट ब्रोलर है ब्रोल बॉल के लिए। तो देख सकते हैं 2957 ट्रॉफी लाइफ पुशिंग हुआ और हम सैली को इस बार लेते हैं ब्रोल बॉल में। तो देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो इसका जो एबिलिटी है वो बेस्ट मुझे लगता है सभी ब्रोलर में से, और आपका सैली हाई लेवल की रही तो बहुत ज़्यादा का डिमेंज पड़ता है। तो देखते हैं क्या होता है इस बार क्या हम कर पाते हैं प्लस ट्रॉफी या माइनस। तो इस बार तो मुझे मार दिया है पहला राउंड में ही। तो हमारा जो वॉल्स था, जो सिक्योरिटी था, उसे ब्रेक कर दिया है इन लोगों ने, पर हम भी उसका वॉल्स को तोड़ देंगे। तो अभी तो मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है और शायद गोल हो जाए इन लोगों का। तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो अभी तो ये बॉल अगर पास करता ही है तो ये हमारा गोल हो सकता है अगर हुआ, नहीं हो पाया गाइस थोड़ा सा के लिए बच गया।
मैं उसका वाल्स तोड़ने के चक्कर में रह गया, पर वाल्स ब्रेक नहीं हो पाया। और देखते क्या होता है, अभी तो किसी का गोल नहीं हुआ है। तो हमारा गोल हो गया, एक JDK नाम का प्लेयर ने कर दिया है गोल। और तो हमारा एबिलिटी थोड़ा सा के लिए बच गया, यूज हो जाता तो ये गोल हो सकता है अभी भी। कोल्ड सिर्फ ओपोनेंट में जिंदा है, मतलब एलाइव। तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी कोल्ड ये ओपी थोड़ा लग रहा है, तो कोल्ड के वजह से ये बुल एलाइव हो गया और हमारा साइड में एक गोल है। ओपोनेंट ने अभी तक एक भी गोल नहीं किए हैं, जो कि हमें विनिंग करा सकते हैं ये मैच। तो एक गोल और हो गया, JDK ने प्लेयर ने कर दिया है। तो फिर से +6 ट्रॉफी, और देखते हैं कि आज का हमारा कितना ट्रॉफी पुशिंग हुआ है, 29 ट्रॉफी पुश हुआ है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा ब्रॉलर पर वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर कोशिश करूँगा, और कौन सा मैप पर चाहिए।